हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो चैप्टर चल रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट्स एंड पांच लेक्चर्स हम इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। सो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसके अंदर हम दो एप्लीकेशन ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज हाउ टू कन्वर्ट। एप्लीकेशन नंबर 3 आज हम कंप्लीट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इंटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको एक ही फिजिकल क्वांटिटी को, मान लो आपको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और उस फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट दे दी गई, जिसमें कुछ नंबर बनते थे, कोई यूनिट थी। दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट दे दी गई जिसमें भी कोई नंबर था और यूनिट थी। ऑब्वियसली अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है, देन यू हैव गिवन अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ यूनिट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, दिस इज द MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम है ना, एंड दिस इज CGS सिस्टम। सो यहाँ पे भी N1 मैग्नीट्यूड है एंड M इज द यूनिट, एंड यहाँ पे सेंटीमीटर इज द यूनिट, 100 इज द मैग्नीट्यूड। बट बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही मेजरमेंट है, बट डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में एक ही मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड आपको दे सकती है। सो सिमिलर टू दैट, आपको बेसिकली करना क्या है, डायमेंशनली इसको सोल्व करना है। एंड अगर आप डायमेंशनली सोल्व करोगे तो यूनिट की जगह पे M1, L1, T1 इस टाइप से लिख सकते हो, मास का फैक्टर, लेंथ का फैक्टर, टाइम का फैक्टर, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में N1 एज इट इज। पहले हम थोड़ा सा मेथड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आफ्टर दैट एक दो क्वेश्चंस मैं पुट करवाऊंगा। हर इस पे बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड दोनों टाइप पे कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एंड फिर एक दो क्वेश्चन आपको भी सोल्व करने को दूंगा, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। N2 एंड यूनिट, यूनिट की जगह पे अगेन अगर आप डायमेंशनली MLT की टर्म में लिख रहे हो, पावर आपको चेंज नहीं करनी। याद रहे पावर चेंज नहीं होगी, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना दोनों की, और अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है देन कैन आई से अगर यहां फोर्स है तो यहां भी फोर्स होगा, अगर यहां फोर्स है तो M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 रही होगी, यहां पे भी फोर्स होगा तो उसकी भी तो पावर 1, L की पावर 1 एंड T की पावर -2, MLT -2 होता है ना फोर्स का डायमेंशन। सो यहां आप चेंज कर सकते हो, M1, L1, T1 था, यहां आप लिखेंगे M2, L2, T2, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया लेंथ में अगर आप मीटर यहां लिखो 1 meter, L की जगह पे 1 meter लिखो, तो यहां पे आपको L की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 100 centimeter। सो बस यही डिफरेंस है, दैट्स वाई मैंने M1, L1, T1, M2, L2, T2 लिखा। अब ये तो हुई किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनली इंट्रोडक्शन। अब बात है कि क्वेश्चन कैसे आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस इस टाइप से, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आ जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ 1 newton इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 1 newton में कितने डाइन होते हैं, ओके okay? या बताओ 1 joule इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ऐसे पावर की ऐसा यूनिट होती है 1 watt, एंड नाउ पावर होता क्या है स्टूडेंट्स, पावर इज बेसिकली, पावर इज वर्क डन बाय टाइम, एंड अगर पावर वर्क डन बाय टाइम है देन कैन आई से इन CGS वर्क डन की या एनर्जी की यूनिट तो हो गई अर्ग, बाय टाइम, टाइम CGS में वही सेकंड में होता है,
सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं. एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस. ये एक क्वेश्चन है जो 12th स्टैंडर्ड पे बेस है. एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस. ये 12th स्टैंडर्ड पे बेस है. वैसे मैं आपको बता दूं 10^-4 गॉस होते हैं, बट उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला जरूर चाहिए. हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करने के लिए ध्यान दें, आपको उसका डायमेंशन फॉर्मूला नेसेसरीली चाहिए, बिकॉज डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन है. सिंपल है ना. सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. 1 न्यूटन इज हाउ मच टाइम. देखो सबसे पहली चीज, N1 आपको गिवन है. N1 इज व्हाट? 1 न्यूटन. N2 यू हैव टू फाइंड. ओके, इस पैटर्न में ये जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है इसका, एक सबसे सिंपलर फॉर्म है इस क्वेश्चन की, इस एप्लीकेशन पे इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मैं आपको ये दो क्वेश्चंस, मैं आपको कोई भी दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, दूसरे दो क्वेश्चंस आपको खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देखने होंगे. यस, क्या मैं कह सकता हूं ए की वैल्यू फॉर फोर्स? फोर्स के लिए ए की वैल्यू क्या रही होगी? 1. बी की वैल्यू क्या रही होगी? 1. सी की वैल्यू क्या रही होगी? -2, है ना. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT -2. समझ रहे हो? नेक्स्ट आपको निकालना क्या है? अच्छा, M1 क्या रहा होगा बता सकते हो? M1 इज द मास इन SI सिस्टम, क्योंकि आपको SI टू CGS कन्वर्ट करना है ना सिंपली. सो M1 इज द मास इन SI सिस्टम, L1 इज द लेंथ इन SI सिस्टम, T1 इज द टाइम इन SI सिस्टम, M2 इज द मास इन CGS सिस्टम, L1 L2 इज द लेंथ इन CGS सिस्टम एंड T2 इज द टाइम इन CGS सिस्टम. सो यहां पे देखें, M1 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 1 kg. L1 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 1 meter. T1 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 1 second. राइट हैंड साइड में आ जाओ. हाउ मच मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस टर्म. एंड सिमिलरली इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है -2. डन. अच्छा, M2 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 1 gram. CGS है ना. लेंथ की जगह पे 1 centimeter. CGS में लेंथ सेंटीमीटर, g 4 ग्राम, s 4 सेकेंड, 1 सेकेंड. पावर सेम रखोगे, पावर वन, पावर माइनस का 2. नाउ यू हैव टू फाइंड n2. ओके, एक n2 को आप अकेला रखो. 1 kg डिवाइड बाय 1 g होल पावर 1. 1 meter डिवाइड बाय 1 centimeter. देखो, लेंथ का ऑपरेशन लेंथ के साथ ही करो, टाइम का ऑपरेशन टाइम के साथ ही करो, एंड मास का ऑपरेशन मास के साथ. सो सेकेंड टू सेकेंड के आपको बेसिकली करना क्या है ऑपरेशन में? देखो, ज्यादा कुछ नहीं है. यू हैव टू फाइंड जस्ट अ नंबर. मीन्स आपको इस तरह से सेटअप करना पड़ेगा सारा सिस्टम कि आपको एक नंबर मिले. आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी तो डायरेक्टली गिवन है ना, डाइन. यहां पे फिजिकल क्वांटिटी तो डायरेक्टली गिवन है ना, डाइन. सो फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए, नंबर चाहिए सिर्फ. 1 kg इज इक्वल टू व्हाट? 1000 g डिवाइड बाय 1 g. अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज को काटना है तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा इनटू 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter डिवाइड बाय 1 centimeter. इससे कैंसिल, पावर 1 थी, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1. सो ये भी बच गया हमारे पास 1. देन दिस इज n2. 10^3, 10^2, ये कितना बन गया? 10^5. सो आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज 10^5. इसको आप सिंपलर फॉर्म में ऐसे भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं स्टूडेंट्स. देखें, n2 निकाल के लाना है ना आपको. देन n1, m1 बाय m2 टू दी पावर ए, l1 डिवाइडेड बाय l2 टू दी पावर बी, एंड t1 डिवाइडेड बाय t2 टू दी पावर सी. इस टाइप से भी आप इसको रख सकते हो. यही फॉर्म इस टाइप से भी कन्वर्ट करके रखी जा सकती है.
सो एम वन अगर आपको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने को बोले ना, ऑलवेज यहां पे तो मैंने चारों क्वेश्चंस में एसआई टू सीजीएस ही बोला है कन्वर्ट करने को, तो चारों क्वेश्चंस में आपको एम वन एल वन टी वन एम टू एल टू टी टू इनकी वैल्यूज तो सेम रखनी है। क्या रखनी है देखें, ऊपर 1 kg नीचे 1 g, ऊपर 1 meter 1 centimeter 1 second एंड अगेन 1 second। यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एन वन वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सो एन वन इज अगर यहां पे आपको जरूरी नहीं है हर बार 1 joule ही दे, 100 joule दे, 1000 joule दे, जितने भी जूल देगा ना एन वन की जगह पे आप वो रखोगे। हाउ मच अर्ग, अर्ग इज अ सीजीएस यूनिट एंड दिस होल इज द सिस्टम फॉर विच फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यहां पे स्टूडेंट्स एनर्जी है। ओके, सो एनर्जी की डायमेंशन क्या होता है मैंने आपको सोल्व करवाया हुआ है, एम एल टू टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। अच्छा न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये वो डायमेंशन है जो मैंने आपको निकलवा रखे हैं। ओके अच्छा, वाट पावर का भी डायमेंशन निकाला था, अभी उसको भी करके देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखें ए की वैल्यू क्या होगी फॉर एनर्जी, ए की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -2। ओके डन, देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 g डिवाइड बाय 1 g एज इट इज। आपको क्या करना है, आपको यूनिट्स खत्म करनी है, कोई भी यूनिट नहीं रहनी चाहिए, यू हैव टू फाइंड जस्ट अ नंबर। ओके सो 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter डिवाइड बाय सेंटीमीटर, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल एंड 1 to the power कोई भी हो, 1 की पावर तो वही होता है ना, यहां पे पावर 2 थी, यहां पे पावर 1 थी, ग्राम टू ग्राम, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। देखो 10^3, 10^2 है बट आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2 इट इज 4। 10^3 यहां पे है, 4 यहां पे है, इट विल बिकम 10^7, 4+3 बेस सेम पावर एड। सो ये इसका आंसर आप 10^7 लिखेंगे। सो 1 watt इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, 1 watt इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, एसआई टू सीजीएस में जा रहा है, एसआई टू सीजीएस में जा रहा है तो यहां तक के स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे, यहां तक के स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे। यू हैव टू जस्ट फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। नाउ पावर इज व्हाट, वाट है ना, वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर इज वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, एम एल टू टी माइनस टू, सो एक और डिवाइड में टाइम लगेगा तो टी माइनस थ्री करो, दैट्स इट। वापिस यहां पे आओ, 1 as it is, 2 as it is एंड -3 as it is और आंसर भी एज इट इज, बिकॉज टाइम में कन्वर्जन हुआ है, लेंथ में कन्वर्जन नहीं हुआ, मास में कन्वर्जन नहीं हुआ, एज इट इज आएगा ना, समझ रहे हो। डन, नाउ 1 tesla इज इक्वल टू हाउ मच गॉस, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो मैग्नेटिक फोर्स पे जाएं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, ऐसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला। याद रहे जब भी एक चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज मोशन में होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये एक 12th class का कंसेप्ट है बट कोई बात नहीं, 11th class में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, एसआई टू सीजीएस कन्वर्जन। सो यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालना है ना तो मैग्नेटिक फील्ड को एक बार अकेला रखो, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, चार्ज का डायमेंशन ए टी, वेलोसिटी हैज डायमेंशन एल टी माइनस वन। ओके सो आफ्टर टी माइनस वन टू टी कैंसिल, एल टू एल कैंसिल, इट हैज डायमेंशन एम टी माइनस टू ए माइनस वन। डन, सो ये डायमेंशन यूज करके आप एक बार, इसकी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है पेंडिंग, इसको एक बार कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके नाउ सेकंड टाइप, ये तो थी फर्स्ट टाइप, एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आप
कन्वर्जन करें। एक दो क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप इस पे, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है। जैसे कि प्रेशर है, प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर की वैसे एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट्स पास्कल, पास्कल। ओके, सीजीएस सिस्टम में फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, फोर्स को आप लिखो डाइन, एरिया मीटर स्क्वायर तो एसआई में है बट सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप से आप और भी क्वेश्चन ये सोल्व करके देखेंगे, आप खुद से सोल्व करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। एंड द अनदर टाइप, जो मैं अनदर टाइप इसकी एक और बता रहा था वो टाइप करके देखते हैं अब। अगर आपको स्टेटमेंट इस टाइप से दे दी जाए, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यस व्हेन वन मीटर, स्टेटमेंट देखें, व्हेन वन मीटर, वन केजी एंड वन मिनट, वन केजी एंड वन मिनट। ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको अज्यूम करने होते हैं, आपको वन मिनट एज एसआई सिस्टम दिया हुआ है, बट एसआई में तो हम सेकंड यूज करते हैं ना बेसिकली, बट आपको गिवन है कि आप इसको एसआई मानो। वन मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, आर टेकन एज, क्वेश्चन है फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स The magnitude of force is 36 unit. What will be the value in CGS? Yes, the magnitude of force is 36 unit. Then, what is the value in CGS? Question same hai. क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बदलाव किए हुए नहीं है। आपको क्या करना था, n1, m1, l1, t1 टू द पावर a, b, c एंड n2, m2, l2, t2 टू द पावर अगेन a, b, c। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बट यहां पे सिर्फ t1 की जगह पे सेकेंड नहीं गिवन, बोला हुआ है कि मिनट मान के चलो कि फंडामेंटल यूनिट है टाइम। जैसे कि टाइम की फंडामेंटल यूनिट में आपने एसआई टाइम को रिप्रेजेंट करना सीखा था एसआई सिस्टम में सेकंड से, बट आपको अज्यूम करना है कि मिनट है। जैसे कि एम वन, एम वन को इसने बोल दिया केजी, केजी रखो, दैट्स इट। एम वन बाय एम टू, एम टू में सीजीएस में क्या होता था, ग्राम, ग्राम लिखो। एन वन, एन वन भी दिया हुआ है 36 यूनिट्स। ओके, एन वन दिया हुआ है। सेकेंड एल वन, लेंथ में इसने दिया हुआ है वन मीटर एंड लेंथ एल टू, देखो सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो सेंटीमीटर। टी वन, टी वन इज सेकेंड, सॉरी यहां पे सेकेंड की बजाय आपको मिनट यूज करना है, क्योंकि इट इज गिवन क्लियरली दैट यू हैव टू यूज मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट। एंड सीजीएस में आपको कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखें। अब बात है ए बी सी की, अगेन यू हैव टू कन्वर्ट फोर्स एंड फोर्स हैज अ डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू। ओके, डन, कैलकुलेशन रहेगी बस, थाउजेंड डिवाइड बाय पावर वन, हंड्रेड मीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर पावर वन, मिनट कन्वर्ट, कन्वर्जन वैसी ही रहेगी, एक मिनट में 60 सेकेंड। कन्वर्जन मेरे को क्यों करनी है, कन्वर्जन मेरे को इसलिए करनी है बिकॉज वी हैव टू फाइंड नंबर ओनली, कोई भी यूनिट नहीं बचनी चाहिए। सो 36 एज इट इज एंड टू। ओके, ग्राम टू ग्राम, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग 36, 10 रेज टू द पावर, देखें 3 यहां है, 2 यहां है,
एंड 3 and 2 5, 60 to the power -2. कैन आई से 60 into 60 -2 है ना, नीचे ले गए. सो 6 and 6 कैंसिल, एंड ये जो 2 जीरो हैं यहाँ पे मर्ज करवा देंगे, एंड आंसर इज 10^3. डन. एंड 2 नंबर मिल गई, 10^3. और आंसर में आपको वही लिखना है, CGS यूनिट है ना, CGS डाइन होती है, डाइन में ये जरूर लिखना है. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस करेंगे ना एप्लीकेशंस पे बेसिकली, उतनी ही ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी टॉपिक पे, अदरवाइज डाउट्स आने लग जाएंगे. सो क्वेश्चंस ट्राई करें, जरूर ट्राई करें. एक आधे क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने को भी दूंगा, उनको ट्राई करके देखें. जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी इज 20 न्यूटन, 200 जूल, 5 मीटर पर सेकेंड. 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन फाइंड द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. देन फाइंड द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. एक बार पॉज करके इसको ट्राई करके जरूर देखें. ओके, क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ट्राई करके जरूर देखें. जैसे जैसे डिजिट गिवन है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको लिखना भी है इसको. जैसे कि इसने बोला, देखें, पॉज करके ट्राई जरूर किया करें. एनर्जी, फोर्स एंड वेलोसिटी, इनकी यूनिट्स ये हैं. तो आप 20 को फॉरगेट नहीं करना, यहाँ पे 20 को हटाना नहीं है. आपको बोला ना फोर्स हैज यूनिट 20 न्यूटन. ऐसे क्वेश्चन अजम्पशन वाले क्वेश्चंस होते हैं और इनमें आपको एज इट इज अज्यूम करना होता है जैसा इन्होंने लिखा हुआ है. ओके, एनर्जी, एनर्जी हैज 200 जूल, ये अज्यूम करना है आपको एनर्जी की जगह पे. ओके, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी हैज 5 मीटर पर सेकेंड. डन. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. इसको आप आसानी से भी कर सकते हो, बट बिकॉज हम डायमेंशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं सो आपको डायमेंशनली भी करना आना चाहिए. फोर्स, वैसे तो देखो फोर्स ये एनर्जी है ना, एनर्जी इज वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन आया होगा ना एनर्जी. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सिंपल एनर्जी बाय फोर्स, डिवाइड करो आंसर. समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का आंसर आ जाएगा आपके पास. सिमिलरली अगर डायमेंशन करना हो, डायमेंशन में फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2. इफ MLT-2 इज गिवन 20 न्यूटन एंड ML2T-2 गिवन 200 जूल एंड LT-1 गिवन 5 मीटर पर सेकेंड, देन इफ यू डिवाइड दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज, देखो ML2T-2 डिवाइड बाय MLT-2, कैंसिल कैंसिल, देन 200 जूल डिवाइड बाय 20 न्यूटन, इट इज कैंसिल 10, एंड जो भी आएगा वो लेंथ 10. डन. सो लेंथ को आप इस तरह से पॉइंट आउट करोगे और लेंथ की एस आई, जैसे कि यहां पे एस आई यूनिट्स के साथ लिखा हुआ था, तो लेंथ को भी आप एस आई यूनिट के साथ लिख सकते हो 10 मीटर. ऐसे ही अगर आपको टाइम निकालना हो, लेंथ को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 मीटर T-1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन टी इनवर्स है ना, टी इनवर्स मीन्स दिस. सो टी उस तरफ लेके जाओ, 5 नीचे ले आओ, ऐसे लिखो 10 मीटर डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकेंड, लिख सकते हैं
पर सेकेंड ऊपर चला गया, मीटर टू मीटर फाइव टू, सो इट इज 2 सेकेंड. सो टी की जगह पे आप 2 सेकेंड लिख सकते हो, एम एल की जगह पे आप 10 मीटर लिख सकते हो. ये दोनों चीजें यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, एम एज इट इज एल की जगह पे 10 मीटर, टी की जगह पे 2 सेकेंड्स. इनवर्स टू है ना, इनवर्स टू मीन्स ऐसे लिखो, टू टू द पावर 2 सेकेंड, है ना. क्या आएगा, 4 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 20 न्यूटन. यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो, 10 to 2, 4 to 8, देन मास है 8 units 8 kg. सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस एक और टाइप कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं. पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई करके जरूर देखें, और भी कोई क्वेश्चन हो इसी एप्लीकेशन पे या सेम टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन हो, आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें. इफ अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड स्टार सिस्टम, इसको देखो बिना डायमेंशन के भी हम कर सकते हैं, जिसमें 1 kg star इज गिवन 10 kg, ओके. 1 meter star इज गिवन 1 kilometer, 1 kilometer means 1000 meter, एंड 1 second star इज गिवन 1 minute 60 seconds, ओके. देन यू हैव टू फाइंड वट विल द वैल्यू ऑफ 1 joule ऑफ एनर्जी इन न्यू सिस्टम. 1 joule इन न्यू सिस्टम इज, ये फाइंड करके दिखाना है. तो इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, देखो आप सिंपल तरीके से भी करना सीख लो. 1 joule इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स. जूल इज, जूल एनर्जी की यूनिट होती है और एनर्जी वर्क डन से निकाली जाती है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, बट इन टर्म ऑफ मास लेंथ टाइम आपको कन्वर्ट करना है. सो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस. एक्सेलरेशन को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर कह सकते हो, है ना. मास, मास को ऐसा ही सिस्टम में आप लिखोगे kg, एक्सेलरेशन को बोलोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एंड इट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस अगेन मीटर स्क्वेयर लिख दो. डायमेंशनली भी हम इसको ऐसे ही करेंगे, है ना. किसी, जैसे कि हमें क्या निकालना था, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में नंबर्स निकालने थे जूल के, है ना. n2 वी हैव टू फाइंड, एंड इफ n2 वी हैव टू फाइंड, देन m1/m2 टू द पावर a, एंड यहां पे 1 joule है, तो n1 की जगह पे आप 1 joule ही रख सकते हो. बट उस सिस्टम से भी आप कर सकते हो और सिंपली भी कर सकते हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से सोल्व करके दिखा रहा हूं. kg मीटर स्क्वेयर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वेयर. आपको क्या करना है, स्टार सिस्टम में जूल को बताना है ना. सो यू हैव टू कन्वर्ट kg इंटू kg स्टार, मीटर इंटू मीटर स्टार, सेकेंड इंटू सेकेंड स्टार. एंड फॉर कन्वर्ट, ये सारी चीजें आपको गिवन तो हैं. सो 1 kg इन स्टार सिस्टम इज गिवन 1/10 kg स्टार, कैन आई से 1 meter इन स्टार सिस्टम इज गिवन 1/1000 meter स्टार, एंड 1 second इन स्टार सिस्टम 1/60 second स्टार, ओके. एंड अब इनकी SI यूनिट में देखो, यहां स्क्वायर लगा हुआ है, आप भी स्क्वायर लगा दें. नीचे स्क्वायर लगा हुआ है, आप भी स्क्वायर यूज करेंगे, डन. बस बाकी का अब सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है. जिस टाइप से आपको कैलकुलेट करना सिंपल लगे उस टाइप से करें. kg स्टार अलग रख दिया, मीटर स्टार अलग रख दिया, सेकेंड स्टार -2 अलग रख दिया. डिजिट्स सारे एक तरफ ले आओ. अब 1000 है ना, 10 raised to the power 3 तो है ही,
उसका भी पावर 2 हो गया, तो 10 रेज टू द पावर 3 टू जा 6 यहाँ पे लिख दिया। ओके 1/60 है एंड 60 इज 60 स्क्वेयर, सो 3600 रेसिप्रोकल होके यहाँ पे लिख दूँ 36 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, डन। ओके सो 10 टू 10 कैंसिल, ये कैंसिल, 36 इंटू 10 रेज टू द पावर, ऊपर सोल्व होगा तो -5 आंसर इन स्टार सिस्टम, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जूल स्टार, 36 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। सो इस टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे एंड इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर लेक्चर से कोई एडवांटेज फील हो रहा है तो आप लाइक जरूर किया करें। यस, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप डायमेंशन से भी करके देख सकते हो, विदाउट डायमेंशन भी करके देख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी ऑन अ सिस्टम हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर, ऑफ एनर्जी ऑन अ सिस्टम हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर, हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर एंड हाफ मिनट्स, 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर एंड हाफ मिनट्स। ओके ये आपको खुद से सोल्व करके दिखाना है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ खत्म होती है एप्लीकेशन नंबर 3। कोई डाउट आता है किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड तो उसके कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करें। अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।